है एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा होममेड फेस टोनर, जिसे मैंने बनाया है ऑरेंज पील से। ऑरेंज पील्स में संतरे के छिलके से। ऑरेंज पील्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ऑरेंज के छिलके में विटामिन सी होता है, जो कि स्किन टोन को लाइट करने में है एंड स्किन की जो टैन होती है, सन टैन हो जाता है, उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स में ऑरेंज पील्स को यूज करती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे। तो फ्रेंड्स, इस टोनर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ की जरूरत पड़ेगी वह ऑरेंज के छिलके। आप 2 ऑरेंज के छिलके ले लीजिए और उनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, ताकि जब हम उसको उबालें तो उसका एक्सट्रैक्ट अच्छे से उसमें जा सके। मैंने ये सारे ऑरेंज के छिलके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इन ऑरेंज के पील्स को एक पैन में ट्रांसफर करेंगे और उस पैन के अंदर हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में आप गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद इसको आप 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से उबलने दीजिए इसको, ताकि इसका जो भी ऑरेंज का पील्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा उसमें ऐड हो जाए। और जब ये उबल जाए अच्छी तरह से, तो 7 से 8 मिनट के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट में जब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसका जो भी रिमेनिंग वाटर है, ऑरेंज पील का जो वाटर बचा है, इसको आप एक ग्लास में डाल दीजिए। स्ट्रेनर के हेल्प से इसको ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद में हमें एक स्प्रे बॉटल लेनी है और एक स्प्रे बॉटल लेकर के जो भी ग्लास में आपने जो वाटर डाला है ऑरेंज पील्स का, उसको आप स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल सी बॉटल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रे बॉटल है तो मैं स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है और जितना हमने उसमें बॉटल में ऑरेंज पील डाला है, वाटर ऑरेंज पील वाटर डाला है, उसका 1/4 क्वांटिटी आपको रोज वाटर ऐड करना है। रोज वाटर के अलावा आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। उसके बाद में आप इसको रोज वाटर ऐड करने के बाद में आप इसको बॉटल को बंद कर दीजिए अच्छी तरह से और उसका ढक्कन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। और अब आप इसको एक बार स्प्रे करके चेक कर लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से टोनर बनके हमारा रेडी हो गया है। तो गाइज, ये हमारा टोनर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है। आप सिंपली इसको अपने फेस पर इस तरह से स्प्रे कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एकदम अच्छे से इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है। और आप इसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए। आप इसको बिल्कुल भी पोछिए मत अपने हाथ से। आप इसको इस तरह से नेचुरली ड्राई होने दीजिए और जब ये ड्राई हो जाएगा तो 15 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश। फ्रेंड्स, आप इस टोनर को दिन में 2 या 3 बार जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों में बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल एंड स्वेटिंग का प्रॉब्लम भी होता है किसी किसी को बहुत ज्यादा। तो ये उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है या गर्मी हो रही है, तो आप जरूर इसको ना अपने फेस पर स्प्रे कीजिए। और उसके अलावा आप अगर चाहें तो इसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नाइट क्रीम यूज करते हैं तो आप नाइट क्रीम वैसे यूज करने से पहले इसको यूज कीजिए, और अगर आप नाइट क्रीम यूज नहीं भी करते तो आप ओवरनाइट इसको अपनी स्किन पर छोड़ सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करता। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर लीजिए, आलमंड ऑयल या ऑरेंज ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं आप उसको ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और आप इसको अपने अंडरआर्म्स पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको अंडरआर्म्स बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है एंड आपके अंडरआर्म्स में डार्कनेस हो रही है, तो आप जब इसको अंडरआर्म्स में अप्लाई करेंगे दिन में 3-4 बार आप इसको अंडरआर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और आपकी इसमें ऑरेंज पील में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि स्किन टोन को लाइट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपकी आर्म्स को ये डेफिनेटली हल्का सा लाइटन भी देगा। लाइट फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी फेस पैक में मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कि आप इसको हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करके रखिए, क्योंकि जो भी DIYs होते हैं इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एड नहीं होते हैं, तो बाहर रखने पर ये खराब हो सकते हैं। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए और विद इन 7 डेज आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टोनर को आप जरूर बनाइए, उसको यूज कीजिए, और उसको यूज करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको उसको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। आपको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, विद इन 5 मिनट्स ही बनके रेडी हो जाएगा, और वो भी एक बहुत बेस्टेस्ट चीज से आपके लिए बहुत यूजफुल चीज बन रही है। ऑरेंज पील जो कि ऑरेंज खाने के बाद बच जाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, उसी से आपको बनाना है। ज्यादा कुछ आपको इसमें खर्चा नहीं आएगा, तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। And thank you for watching.